तो चलो जल्दी जल्दी चलते हैं एंड थोड़ा बहुत भगा के देखी जाए बाइक को। इसकी भी शायद क्लच प्लेट्स गई हुई है यार, आई कैन फील इट। ओ भाई ये क्या है भाई, पूरी की पूरी बैरिकेड लगा के चेकिंग हो रही है। ये देखो इनका कट गया चालान अंकल जी का। सो हेलो गाइज, वंस अगेन वेलकम बैक टू द चैनल। एंड अभी हम लोग जा रहे हैं ज़ारा से बजाज के सर्विस सेंटर, क्योंकि वहाँ पे हमने दी है डोमिनार की सर्विस के लिए। एंड डोमिनार में थोड़ा बहुत कुछ कुछ चेंजेस भी करवाना था, तो उस पार्ट्स की अवेलेबिलिटी नहीं थी, इस वजह से बाइक मुझे छोड़नी पड़ी सर्विस सेंटर में फॉर अ डे। जबकि मैं छोड़ता नहीं कभी बाइक, एक बार इंसिडेंट होने के बाद या उससे पहले भी कभी बाइक नहीं छोड़ता सर्विस सेंटर में। तो हुआ क्या कि एक्चुअली बाइक के क्लच में इशू आ रहा था, जैसे कि मैंने बताया था आप लोगों को कि क्लच में 3-4 हज़ार RPM के बाद बाइक में एक्चुअली प्रॉपर तरीके से पावर को रिलीज़ नहीं कर पा रही है। तो इस वजह से मैंने सोचा कि चलो बाइक का क्लच का जो भी काम है वो भी क्लियर करवा लेते हैं। बाइक ऑलमोस्ट 10,000 किलोमीटर चल चुकी है एंड ये मेरा फोर्थ सर्विस था। अकॉर्डिंग टू कंपनी देखी जाए तो वो लोग इतने में 3 सर्विस करते हैं और मैं फोर्थ सर्विस करवा रहा था, क्योंकि मैं थोड़ा टाइम से पहले सर्विस करवा लेता हूँ सो दैट कि बाइक के इंजन ज़्यादा मतलब लाइफ उसकी बन जाए और अच्छे से रहे। तो चलो जल्दी से पहुँचते हैं बजाज सर्विस सेंटर। यहाँ पे ये पैकेट में मोटुल के इंजन ऑयल है, तो एक्चुअली उसमें जाते हैं 1.67 लीटर लगभग, तो मैंने 2 लीटर ले लिया है, थोड़ा बहुत बचेगा तो कोई नहीं, वो अपने काम आ जाएगा कभी ना कभी। इसका छोटा पैकेट आ रहा था वो 1.5 लीटर वाला था, बट थोड़ा कम हो जाता तो वो दिक्कत है, बेटर है कि 2 लीटर ही लेते हैं। और भाई अभी ऑफिस आ रहा है तो ट्रैफिक देख सकते हो आप लोग, बट कोई ऑप्शन नहीं अपने पास। बाइक है तो फिर भी निकल जाएगी, कार रहती तो और भी ज़्यादा प्रॉब्लम होती। एंड अभी हम लोग जाएंगे श्याम ऑटो, क्योंकि अपनी ज़ारा का शॉकर हो गया लीक, तो बाइक को ये वहीं पे ड्रॉप कर देंगे एंड वहाँ पे किसी फ्रेंड को बुलाकर उसके साथ चले जाएंगे सर्विस सेंटर पास में ही बिल्कुल। तो बाइक को वहीं पे ड्रॉप कर देंगे। इसका लेफ्ट साइड का जो फ्रंट शॉकर है वो लीक हो चुका है, तो इसमें देखते हैं, अगर पूछते हैं वहाँ पे हो जाए तो अच्छी बात है, या फिर कहीं से करवा दे वो, तो क्योंकि बहुत ज़्यादा ये प्रॉब्लम कर रही है एंड शॉकर लीक होना बहुत ही प्रॉब्लम वाली बात है। तो मैं चाहता हूँ कि भाई ये सब चीज़ जल्दी से सॉल्व हो जाए सो दैट कि अब अच्छे से बाइक को राइड कर सकूँ एंड आप लोगों के लिए डेली ब्लॉग्स ला सकूँ। बट प्रॉब्लम ये हो रहा है कि भाई इतना ज़्यादा ट्रैफिक और गर्मी बढ़ चुका है पटना में, या तो बहुत ही ज़्यादा बारिश होने लगती है एंड उसके बाद अगर बारिश नहीं हुई तो इतना टेम्परेचर ह्यूमिड हो जाता है, मतलब ह्यूमिडिटी लेवल काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका होता है। तो हेलमेट पहनना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम, मतलब पहनना तो ठीक है फिर भी पहन के व्लॉग करना बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम वाली बात हो जाती है। बट कोई नहीं, जल्दी जल्दी पहुँचते टुवर्ड्स श्याम ऑटो एंड उसके बाद देखते वहाँ पे क्या होगा कैसे होगा, क्योंकि यार बाइक में अगर थोड़ा सा भी इशू होता है ना तो बाइक चलाने का बिल्कुल मन नहीं करता एंड अंदर से बहुत इरिटेशन सा फील होता है। भाई ज़ारा को हमने यहाँ लगा दिया है टू द श्याम ऑटो और यहाँ पर मेरा जो है काम हो जाएगा। और अभी मैंने बुलाया है साहिल को, इसके साथ मैं जा रहा हूँ टुवर्ड्स एग्जीबिशन रोड आकर्ष बजाज के सर्विस सेंटर में। देखते हैं जल्दी से कि बाइक का जो काम है ऑलमोस्ट शायद हो गया हो या नहीं हो, अभी तक पता नहीं, क्योंकि मैंने कल ही बोल दिया था तो वो बोले थे शाम शाम तक ऑलमोस्ट हो जाएगा बट बाइक आपको कल मिलेगा। तो चलो जल्दी से देखते हैं पहुंच के वहाँ पे। एंड यार स्कूटी पे बैठ के ना मन करता है कभी कभी, यार एक स्कूटी भी होनी चाहिए अपने पास सो दैट कि शहर में चलाने के लिए काफ़ी ज़्यादा मतलब फ़न टू राइड हो जाता है एंड बहुत ईजी भी हो जाता है। एंड द बेस्ट पॉइंट इज़ दिस कि स्कूटी होना काफ़ी अच्छी बात है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा रिलायबल होती है। सो गाइस, तो जैसा कि अभी हम गए थे बजाज के सर्विस सेंटर में, तो वहाँ पे अपनी बाइक की काम पूरी तरीके से हुई नहीं थी, 1-2 घंटा उसमें और लगने वाला था। तो मैंने सोचा कि क्यों ना चलो सीधा घर चला जाता हूँ एंड घर आ गया था मैं। उसके बाद अभी मैं अपनी RC लेकर जा रहा हूँ टुवर्ड्स श्याम ऑटो, वहाँ पर लगी हुई है ज़ारा, तो ऑलमोस्ट उसका काम हो गया है, तो इसको वहाँ पर पार्क करेंगे एंड उसके बाद ज़ारा पिक करेंगे।
और बाकी कुछ कुछ काम से, तो सारा काम जो भी है मतलब पर्सनल वर्क से सारा, तो उसको क्लियर कर लेंगे सो दैट कि उसके बाद थोड़ा फ्री हो जाऊं एंड बाकी का जो काम है वो भी क्लियर कर लेता हूं। तब तक के लिए आप लोगों से सीधा ज़ारा को पिक करके वहां पे मिलता हूं एंड होपफुली उसका सॉकर का जो भी लीकेज इशू था वो सॉल्व हो गया हो। एंड उसके बाद सेम टाइम में मतलब मुझे 2-3 घंटे के अंदर जाके बाइक को भी पिक करना है फ्रॉम द सर्विस सेंटर। तो काफ़ी ज़्यादा बिजी शेड्यूल हो गया यार आज का, सिर्फ बाइक 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 में ही बिजी रह गया मैं। तो चलो जल्दी जल्दी करते काम एंड देखते क्या एस्टिमेट आया, मतलब क्या कॉस्ट आया अपने फोर्थ सर्विस का, क्या क्या चेंजेस हुए वगैरह वगैरह। तो यार अनफॉर्चुनेटली अपनी ज़ारा के भी काम अभी कंप्लीट नहीं हुए, उसमें भी लगेगा अराउंड 30 मिनट्स। तो भाई वहाँ वेट करने से बेटर है कि चलो आगे जाके अपनी जो बाकी की काम है वो पूरी कर लेते हैं। एंड धूप आज काफ़ी ज़्यादा है यार, देख सकते हो क्लाउड्स कितने ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं, बट इतने क्लाउड्स अच्छे लगने के कोई फ़ायदा नहीं क्योंकि इतना ज़्यादा धूप है आप क्लाउड्स की तरफ देख भी नहीं पाओगे। एंड यार यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, ये है कि इस बाइक को मैं क्यों नहीं चला रहा ज़्यादा, उसका रीज़न है कि इसमें अभी इसके टायर्स को मैंने ऑर्डर कर रखा है तो इसे चेंज करवाना है। जैसे ही टायर्स आ जाएंगे उसके बाद इस पर भी कंटिन्यूसली व्लॉग्स आएंगे एंड जैसे ही इस बाइक की प्रॉपर तरीके से मतलब सर्विस वगैरह एक बार और करवा लेंगे क्योंकि बाइक ऑलमोस्ट 1-2 महीने पहले सर्विस हुई थी, तो उसके हिसाब से देखी जाए तो इसमें सर्विस वगैरह सब कुछ अच्छे से करवा के चलाने में ज़्यादा मज़ा आएगा। तो चलो जल्दी जल्दी चलते हैं एंड थोड़ा बहुत भगा के देखी जाए बाइक को। इसकी भी शायद क्लच प्लेट्स गई भी है यार, आई कैन फील इट, या आई एम गेसिंग इट राइट, इसकी भी क्लच प्लेट्स वगैरह गई भी है क्योंकि जैसे बाइक हाई आरपीएम पे जा रही है ना तो बाइक की जो पावर होती है वो डिलीवर नहीं कर पा रही है बाइक, और सिर्फ बाइक की एग्जॉस्ट नोट बढ़ जा रही है, इट मींस कि इसकी क्लच प्लेट गई हुई है। नो मोर कॉर्नर्स क्योंकि टायर्स अच्छे हैं नहीं और कॉर्नरिंग करने का बहुत ज़्यादा मन कर रहा है। तो इसकी सर्विस टाइम में इसके क्लच प्लेट्स वगैरह सब को चेंज करवा दूंगा। मीटर का जुगाड़ मुश्किल से होने वाला क्योंकि यार एक तो BS6 में जो ABS वाला मीटर आ गया तो ये नॉन ABS वाला मीटर बहुत मुश्किल से मिलना होगा, मतलब ढूंढना पड़ेगा, मिलना तो बहुत मुश्किल है ऑब्वियस सी बात है क्योंकि KTM के स्पेयर पार्ट्स का इशू स्टार्टिंग से हर जगह है। तो अगर किसी का कोई जुगाड़ है या फिर कोई लिंकअप है कहीं से मैं KTM का 200 का मीटर ले पाऊँ सो प्लीज़ सजेस्ट मी इन द कमेंट। एंड अगर कोई भी लिंक या फिर कुछ भी है जहाँ से परचेज कर सकूँ जो कि थोड़ा जेन्युइन हो यार, ऐसा नहीं कि स्कैम वैम हो जाए क्योंकि आजकल ऑनलाइन स्कैम काफ़ी ज़्यादा होने लगे हैं, तो अगर कोई ऐसा मिलता है गाइस तो प्लीज़ सजेस्ट मी। एंड जल्दी से देखते यार यहाँ पे चेकिंग का लेवल, देखो भाई ये देखो दबाकर चेकिंग हो रही है, और पहले होता था क्या था ना कि चेकिंग हो रही है नॉर्मल चेकिंग, अब क्या हो रहा है कि अगर पुलिस वाले को आप फाइन नहीं पे कर रहे हो तो आपकी बाइक सीधा टो होकर ट्रैफिक पुलिस स्टेशन में चली जाएगी, उसके बाद आप वहाँ पर जाकर फाइन पे करो एंड उसके बाद वहाँ से जाकर आप बाइक को छुड़वाओ, तो काफ़ी लंबा प्रोसेस हो जाता है ये। सो बेटर है कि आप लोग वहीं पर शॉर्ट आउट कर लो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब तो वो वाला सीन भी ख़त्म, जब से इलेक्ट्रॉनिक्स मशीन आ गया है, जब से ऑनलाइन चलान एंड जो मशीन से चलान करने लगे तो जो मैनेज वाला सिस्टम था वो भी ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है, बट फिर भी यार जुगाड़ से हर चीज़ हो सकता है अगर चाहो तो, बस बात करने का तरीका होना चाहिए। मैं हमेशा से ये वाला रूट लेता हूँ क्योंकि वहाँ पर ट्रैफिक काफ़ी ज़्यादा होता है एंड चेकिंग वगैरह भी, तो बेटर है कि शॉर्टकट ले लो यार। ये देखो भाई ये क्या है भाई, पूरी की पूरी बैरिकेड लगा के चेकिंग हो रही है। ये देखो इनका कट गया चालान अंकल जी का
मतलब पीछे वाले ने हेलमेट नहीं पहन रखा था। ऑनलाइन चलान कट गया, कोई मैनेज नहीं। सो गाइस प्लीज़ आप लोग इस चीज़ को सीरियस लो, सेफ्टी के लिए भी एंड चलान से भी बचने के लिए प्लीज़ राइट ट्राई टू वेयर हेलमेट्स एंड बाइक के जितने भी डॉक्यूमेंट्स, बाइक हो या कार, कार अगर ड्राइव कर रहे हो तो सीट बेल्ट ज़रूर से ज़रूर पहनो एंड सारे डॉक्यूमेंट्स पेपर वेपर सबको कंप्लीट करके रखो सो दैट कि ये फालतू के चलान से बच जाओ आप लोग। एंड एक परेशानी भी हो जाती है यार चलान वलान कटवाना, फालतू का पैसा वेस्ट, तो इन सब से बचने के लिए यही उपाय और कुछ भी नहीं है। राइट नाउ आई एम इन बोरिंग रोड एंड यहाँ पे मुझे कुछ काम है तो वो काम कर लेता हूँ एंड फिर मिलता हूँ आप लोगों से। तो गाइज अभी मेरा सारा काम ख़त्म हो चुका है जो भी मेरा वर्क था एंड भाई अभी स्कूल का छुट्टी का टाइम है शायद यहाँ पे, इसलिए इतना ज़्यादा क्राउड है एंड रश है, ट्रैफिक आप लोग देख सकते हो। तो भाई काफ़ी दिनों के बाद यहाँ पे मतलब इतना ज़्यादा रश देखने को मिल रहा है। बैक टू नॉर्मल डेज, मतलब बिहार प्रॉपर तरीके से अनलॉक हो चुका है, स्कूल वगैरह सारे ओपन हो गए, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है देखकर। एंड आई एम नियर पटना वुमेंस कॉलेज, तो भाई ये रोड हमेशा से ऐसे ही क्राउडेड रहता है इस टाइम में बेसिकली। ऐसे टाइम में ना मतलब ट्रैफिक फिल्ट्रेशन में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है, बट अनफॉर्चुनेटली इस बाइक की टायर उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है कि मैं थोड़ा रिस्क लेकर गैप फिल कर पाऊँ। बट यार लिटरली RC इज़ फन टू राइड, मतलब ये बाइक मुझे काफ़ी मज़ा आता है चलाने में। अगेन रश। तो बस गाइज आज की वीडियो को इतना ही रखते हैं, शॉर्ट एंड सिंपल सी, एंड अभी जाकर ज़ारा को भी वहाँ से रिसीव कर लेंगे, बाइक ऑलमोस्ट हो चुकी होगी क्योंकि जितना टाइम मुझे दिया गया था, बताया गया था उतने टाइम मेरे को काम में लग गया था मेरे, तो जल्दी से जाकर बाइक भी वहाँ से पिक कर लेंगे। उसके लिए मुझे कोई फ्रेंड चाहिए जो कि या तो मुझे साथ में लेकर चले या मेरे साथ बैठ कर जाए सो दैट कि बाइक को वहाँ से पिक कर पाऊँ। एंड या फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग में, अंटिल देन ओ ओ ओ ऐसे 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 कौन काटता है भाई। अंकल जी फ़ोन चला रहे और स्टीयरिंग इधर काट दिए पूरा। तो अंटिल देन बाय बाय एंड राइड सेफ़।